हाय दोस्तों, हमारे पास है माइक्रोमैक्स कैनवास एक्स प्रिक्स 4G। ठीक है, इसका मॉडल है Q413। तो उसे हमें जीमेल बाईपास करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। पहले अपना वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। एक बार मॉडल आप कंफर्म कर लीजिए कि माइक्रोमैक्स का है। तो यहाँ से आप अपना जो है वो सेटिंग्स एडेड गूगल कीवर्ड सेटिंग्स खोलिए। उसके बाद यहाँ हेल्प हेल्प में फीडबैक, ठीक है, हेल्प एंड फीडबैक ओपन कीजिए। यहाँ से आप कुछ भी चॉइस कर लीजिए क्लिक कर कर। देखिए, क्लिक कर कर मैंने सेटिंग्स खोल लिया। यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ से सर्च का ऑप्शन आपको इनेबल हो चुका हुआ दिखाते हैं, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये सर्च कर दीजिए और सर्च सॉरी ये जो क्लिक हो रहा है वो शेयर पर हो रहा है, यहाँ से कॉर्नर पर एकदम। ठीक है, हाँ, सर्च पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ जो मेनू खुलेगा उसके बाद आपका काम जो है बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से सेटिंग्स लिखिए आप, जैसे सेट लिखने के बाद ही आपको सेटिंग्स दिखाई देगा, वो सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया सेटिंग्स। आपको सिर्फ बैकअप और रिसेट, बैकअप रिसेट आपको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आईडी जो है वो रिमूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये जो रिस्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ से वीडियो थोड़ा स्किप कर देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीजिए, स्किप कीजिए, स्किप। ठीक है, यहाँ स्किप का ऑप्शन जो है आपका सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों ये आपका जो आईडी है बाईपास हो चुका है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपको भेजता रहूँगा जो आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, अगर ये सिंपली हो चुका है दोस्तों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।